पीएम मोदी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच एक नई जंग शुरू हो गई है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यास तूफान से हुई तबाही का जायजा लेने के लिए पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर थे। बंगाल में प्रधानमंत्री की रिव्यू मीटिंग में बंगाल में तूफान से हुए नुकसान पर चर्चा होनी थी, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं हुई। बैठक में ममता बनर्जी की कुर्सी खाली रही। बैठक से अलग ममता बनर्जी ने कलाईकुंडा में पीएम मोदी से मुलाकात की, लेकिन 30 मिनट इंतजार करवाया। ममता ने पीएम मोदी को 20,000 करोड़ रुपए की मदद की चिट्ठी सौंपी। ममता के बैठक में शामिल ना होने पर अब राजनीति शुरू हो गई। बीजेपी के नेता ममता पर सवाल उठा रहे हैं। उधर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय भी बैठक में देर से पहुंचे, जिसके बाद केंद्र ने कड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य सचिव का तबादला कर दिया है। तूफान यास पर प्रधानमंत्री मोदी की समीक्षा बैठक में शुभेंदु अधिकारी को बुलाने पर ममता बनर्जी भड़क गई है। ममता बनर्जी पीएम को इंतजार कराने के बाद उनसे मिली और रिपोर्ट सौंप कर चली गई। प्रधानमंत्री मोदी ने तूफान यास से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए ओडिशा और पश्चिम बंगाल का हवाई दौरा किया। दौरे के बाद पश्चिम बंगाल के कलईकुंडा में पीएम को राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक करनी थी। बैठक में तूफान पर हुए नुकसान को लेकर चर्चा होनी थी, लेकिन ममता बनर्जी की कुर्सी खाली रही। दरअसल बैठक में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को बुलाए जाने से ममता बनर्जी नाराज हो गईं और बैठक का हिस्सा नहीं बनी, लेकिन मदद मांगने वाला कागज सौंपने के लिए ममता जरूर पहुंची और वो भी 30 मिनट तक इंतजार कराने के बाद। पीएम ने पश्चिम बंगाल और झारखंड को मिलाकर 500 करोड़ की फौरी मदद दी है, जबकि अकेले ओडिशा को ही 500 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। ममता ने बंगाल के लिए 20,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि की मांग रखी थी। उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए दीघा के लिए और 10,000 करोड़ रुपए सुंदरबन के लिए मांगे थे। हालांकि तूफान से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्र सरकार कुछ मंत्रियों की टीम प्रभावित राज्यों में भेजेगी। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद ये मोदी और ममता बनर्जी की पहली मुलाकात थी। ममता वहां से ये कहकर रवाना हो गई कि उन्हें दीघा में एक बैठक में जाना है। ममता के इस फैसले पर शाह और राजनाथ समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने नाराजगी जाहिर की है। कल पीएम मोदी के बंगाल दौरे पर ममता बनर्जी के व्यवहार को लेकर बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा, उन्होंने लिखा कि ममता दीदी का आचरण दुर्भाग्यपूर्ण है। चक्रवात यास के कारण बहुत सारे आम नागरिक प्रभावित हुए हैं और समय की मांग है कि प्रभावितों की मदद की जाए। दुखद है कि दीदी ने जन कल्याण के ऊपर अहम को रखा और इस ओछे व्यवहार में ये दिखता है। ये ट्वीट गृहमंत्री अमित शाह ने किया था। और इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं। एक तरफ मनोज्ञा लोहवाल कोलकाता से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और नीरज पांडे हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मनोज्ञा, एक बात बताइए, ये कोलकाता टू दिल्ली, ये जो एक कोल्ड वॉर शुरू हो गई है, ये खत्म कैसे होगी? क्योंकि दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि इन्होंने ये नहीं किया, हमने ये किया, हमने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया। अब ऐसे में ये ठीक कैसे होगा? और आप अपनी राय भी दीजिए कि कोल्ड वॉर उसको कह सकते हैं या कुछ और नाम आप देंगे? पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि अगर रिजल्ट ये है तो आने वाले दिनों में, इस समय मैं ये कहूंगी कि ये लड़ाई की दूसरी पार्ट 2.0 की शुरुआत है, क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक लड़ाई हमने देखी है, ये अब एडमिनिस्ट्रेटिव चेहरा ले लेगा। और ये कोल्ड वॉर नहीं है, ये एक खुल्लम खुल्ला लड़ाई है जिसमें दो पक्ष हैं और दोनों ही विपक्ष में बैठे हैं एक दूसरे के। एक दिल्ली में विपक्ष में है और एक बंगाल में विपक्ष में है। बंगाल का विपक्ष भले ही कमजोर पड़ जाए, लेकिन दिल्ली में टीएमसी का विपक्ष थोड़ा सा भी कमजोर होता नजर नहीं आ रहा है। इनफैक्ट एक दिन के बाद एक दिन, हर दिन के बाद जिस तरह से लड़ाइयों पे सवाल उठ रहे हैं, अगर खुद आज मुख्यमंत्री 3 बजे बैठक करेंगी, इसके पहले भी जितने अधिकारी हैं, जैसे कि गाड़ी पर हमला, जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी गाड़ी पर हमला के मामले में 3 अधिकारियों को, 3 IPS ऑफिसर्स को दिल्ली भेजा जाना था, लेकिन अभी तक नहीं भेजा गया। उसका भी मामला अभी तक जारी है, जबकि वो रिपोर्ट MHA की थी। हालांकि ये मामला अलग है, इसमें प्रोटोकॉल तोड़ा गया है और इसमें प्रधानमंत्री को इंतजार करवाया गया है। उसमें एक हमला हुआ था और उसके पहले राजीव कुमार का केस, जिसमें 3 फरवरी 2019 को खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई थी। तो ये लड़ाई केंद्र बनाम राज्य है, ममता बनाम मोदी है, टीएमसी बनाम बीजेपी है, कुछ भी कह सकते हैं किसी भी तरह के नाम पे। जी, लेकिन मुझे ये लगता है, ज्यादा नीरज को भी इसमें जोड़ रहे हैं, कि ये लड़ाई
बीजेपी बनाम टीएमसी कम, ममता बनाम मोदी या अमित शाह ज्यादा हो गई है, क्योंकि जिस तरह से चुनावों का हमने हाल देखा, किस तरह से एक दूसरे पर आरोप लगे, प्रत्यारोप लगे। नीरज जो पूरी जानकारी दे रही थी मनोज्ञा, उसी से जुड़ा मेरा सवाल है। 3 IPS वाला मामला हम पहले ही देख रहे हैं, वो वैसा का वैसा पेंडिंग पड़ा हुआ राज्य सरकार के पास। अब हमने CS को लेकर की भी एक चिट्ठी लिख दी है, तो सवाल ये है कि समन्वय बनाने की कोशिश तो कहीं से भी नहीं हो रही है जी। कहा जा सकता है, देखिए ये कभी भी एक तरफ से ताली नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। इसमें अगर कल के एपिसोड पर आप बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आप सीधे तौर पर ये मानेंगे कि राज्य सरकार की कहीं ना कहीं गलती चूक है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर बंगाल जा रहे हैं तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे कारण क्या है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ जा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ यास साइक्लोन से अफेक्टेड एरियाज के लिए, उसकी समीक्षा करने के लिए कि कहाँ किस चीज़ की क्या ज़रूरत है, राज्य को कितनी केंद्र से मदद मिलनी चाहिए, राज्य सरकार की अपनी डिमांड क्या है। मैंने पहले भी कहा कि कागज महज पकड़ा देने मात्र से राज्य का भला नहीं होने वाला है, राज्य का भला होने वाला है संवाद से, राज्य का भला होने वाला है बातचीत से, राज्य का भला होने वाला है सकारात्मक पहल से। तो राज्य सरकार को भी इस बात के बारे में समझना चाहिए और केंद्र सरकार को भी। केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से अच्छी पहल की कि उनकी राज्य में सरकार न होने के बावजूद उन्होंने उतना ही महत्व दिया जितना वो गुजरात और उत्तर प्रदेश या दूसरे राज्यों को देते हैं। तो एक तरफ से आप ये कह सकते हैं केंद्र पर सीधे उंगली नहीं उठा सकते। राज्य सरकार की तरफ से अगर मुख्यमंत्री आधे घंटे लेट आ रही हैं तो इसका उन्हें कारण स्पष्ट करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये जो इशू है वो आपके राज्य का है, तो मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं अब सारे काम छोड़कर प्रधानमंत्री के साथ बैठकर कम से कम राज्य की भलाई के लिए संवाद करना चाहिए। तीसरी जो सबसे बड़ी गड़बड़ी इसमें हुई, किसी भी कारण से मुख्यमंत्री चूंकि पॉलिटिकल पर्सनालिटी होती है तो वो हो सकता है कि उनके पास कोई इससे भी ज़रूरी काम, यानी कि राज्य में जितने लोग परेशान हैं उससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम वहाँ उनको देखने जाना पड़ सकता है, हो सकता है। लेकिन वहाँ पे मुख्य सचिव का रहना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि ये आप एक और भी बात कह सकते हैं कि मुख्य सचिव ये कह सकते हैं कि हमें साहब मुख्यमंत्री के साथ जाना था, प्रोटोकॉल हमारा उनके साथ भी है। तो यदि मुख्य सचिव उनके साथ जाते हैं तो उसमें नियमतः जो प्रोटोकॉल है कि मुख्य सचिव स्तर का ही कोई अधिकारी, यानी कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हो सकता है, कई एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आपके स्टेट में हैं, वो पूरी जानकारी के साथ उस मीटिंग में उपलब्ध हो सकते हैं, वो भी नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं गलतियाँ हुई हैं राज्य सरकार की तरफ से, एक बड़ी गलती कहा जा सकता है इसे। ये अलग बात है कि सेंटर ने अभी इस बात को लेकर राज्य सरकार पर कोई बात नहीं की, उन्होंने सीधा मुख्य सचिव के प्रोटोकॉल को ही निशाने पर लिया और जो रूल्स है, प्रोविजंस हैं जो आपके संविधान उसमें जिसमें 6(1) का लिखा हुआ है साफ साफ कि केंद्र सरकार ऐसे किसी भी अधिकारी का जो किसी भी कैडर में उसको उसका ट्रांसफर कर सकती है। उसमें एक लाइन और भी है कि राज्य सरकार के कंसर्न से, लेकिन लास्ट की जो लाइन है Para 7 वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी कि राज्य सरकार आपको नहीं देती है वो अधिकारी या आपसे डिसएग्री होते हैं, तो उस समय जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, यानी कि DOPT होगी, क्योंकि जितने भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अधिकारी हों, चाहे इंडियन पुलिस सर्विस के अधिकारी हों, वो सारे के सारे सीधे तौर पर DOPT के अंडर में आते हैं, तो उनका जो सीधा फैसला है वो DOPT ले सकता है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का मनोज्ञा, नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी इस मसले पर देने के लिए। ABP News आपको रखे आगे।